कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अमेरिका ने अब इतना बढ़ा दिया है बजट कि चीन समेत पूरी दुनिया के होश उड़े हुए हैं और दुनिया को अब डर हो गया है कि पक्का महायुद्ध होगा, क्योंकि मिसाइलों से एयरपोर्ट उड़ने शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें भारत के लिए एक पॉजिटिव खबर भी निकल कर आई है, खुशखबरी भी निकल कर आई है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना ने जिस तरीके से अपना रक्षा बजट बढ़ाया, उस रक्षा बजट ने दुनिया को डरा दिया और चाइना के मंसूबों को भी साफ कर दिया। चाइना का रक्षा बजट 7.2% बढ़ाया गया। ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो गोबर टाइम्स ने एक ग्राफ दिया है। इस ग्राफ के मुताबिक 2019 में 1190 बिलियन युआन में है ये आंकड़े, इतना खर्च किया था चाइना ने। तो फिर उसके बाद आगे बढ़कर चाइना ने 2020 में 1268, 2021 में 1355 युआन, तो 2022 में 1450 युआन, तो 2023 में 1554 युआन, ये बिलियन है, बिलियन में ये आंकड़े है, ये खर्च किया 7.2% इन्होंने बढ़ाया है। इन आंकड़ों ने साफ कर दिया कि आक्रामक रवैया अपना चाइना छोड़ेगा नहीं। चाइना अब तैयारी कर रहा है और ये तैयारी हर तरह की तैयारी हो सकती है। हो सकता है ये तैयारी ताइवान के साथ लड़ने के लिए हो, या फिर हो सकता है ये अपने बचाव के लिए हो। हालांकि चाइना की वजह से दुनिया भर के देश भी अपने बजट को बढ़ा रहे हैं, खासतौर पर साउथ चाइना सी के आसपास के देश और चाइना के पड़ोसी तो जरूर बढ़ा रहे हैं। भारत का इस वक्त $70 बिलियन का रक्षा बजट है, जो फिर भी कहीं न कहीं कम है। भारत से 3 गुना ज्यादा इस वक्त रख रहा है अपना डिफेंस बजट चाइना, और सभी देश अपने अपने क्षमता के अनुसार बढ़ा भी रहे हैं अपने बजट को। लेकिन चाइना और भारत की बात जरूर होती है, इसलिए होती है कि दोनों मिलिट्री पावर कब लड़ाई पे आ जाए मामला कहा नहीं जा सकता है। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप ये लिस्ट जिसको दिखाया जा रहा है, बिजनेस स्टैंडर्ड का ये रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है, जहां चाइना का डिफेंस बजट है 2023 का $225 बिलियन, तो वहीं भारत का है $72.5 बिलियन। और चाइना का ग्रोथ रेट टारगेट है 5% का, तो वहीं भारत का टारगेट है 6 से 6.8 का। न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करें, चाइना के पास 350 है, भारत के पास 160 है। और एक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की बात करें तो जहां 2 मिलियन के आसपास सेना के जवान हैं चाइना में, तो वहीं भारत में करीब 1.5 मिलियन के आसपास। टैंक की बात करें 5,250, भारत के पास 4,614। वहीं आर्टिलरी गन्स चाइना के पास 9,000 है, तो भारत के पास 4,000। कैपिटल वॉरशिप की बात करें 277 और भारत के पास 64। एयरफोर्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो चाइना के पास 3800 हैं, तो भारत के पास करीब 1400 के आसपास हैं। ये सिप्री की डेटाबेस ने 2022 में रिपोर्ट दिया था। ऐसे में चाइना के डिफेंस बजट का बढ़ना भारत के लिए भी टेंशन वाली बात थी, लेकिन भारत से कहीं ज्यादा टेंशन वाली बात ये अमेरिका के लिए है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के रक्षा बजट ने इस बात को बता दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन ने पेश किया है बहुत बड़ा बजट, अमेरिकी विशालकाय बजट, $6.9 ट्रिलियन का सबसे बड़ा बजट है ये। हालांकि ये जो बजट है ये सिर्फ डिफेंस का नहीं है, बल्कि और भी कई क्षेत्र के लिए है। पर मामला ये हो रहा है कि पहली बार बजट को लेकर काफी सख्त हो गया है अमेरिका और बजट को बहुत बड़ा कर रहा है। अब पैसे कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए भी अमेरिका ने अब नया नियम ला दिया है। अमीरों को पैसे देने होंगे, अमीरों पे लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ये विशालकाय 6.9 ट्रिलियन का बजट, जिसमें मेडिकल से लेकर चाइल्ड केयर और कई चीजें हैं, पर नजर दुनिया की ये थी कि आखिरकार इतने बड़े बजट में रक्षा बजट कितना है। पहले तो अरबपतियों पर लगने वाले टैक्स की सीमा को बढ़ा दिया गया है, इसे कर दिया है 25%।
तो वहीं बाइडेन प्रशासन ने गुरुवार को जो बजट रखा है ना, उसमें डिफेंस बजट है $842 अरब का। हालांकि पिछले की तुलना में 3.2% ही ज्यादा है, लेकिन कहा जा रहा है कि रक्षा बजट को लेकर अमेरिकी सरकार अभी सही सही खुलासा नहीं कर रही है। इसमें से $10 अरब इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका खर्च करेगा और इसके अलावे मॉडर्न हथियार बनाने में $37 अरब खर्च करेगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए $25 अरब का भी खर्च करने को तैयार है अमेरिका। ये वो चीजें हैं जो बहुत लिमिटेड जानकारी दी गई है, पर सवाल ये उठता है क्या इसे पास करवा पाएगा अमेरिका। तो आपको बता दें, अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार देखा जा रहा है कि रिपब्लिकन्स भी इस रक्षा बजट को लेकर बाइडेन सरकार के साथ में है। इस वक्त जो अपर हाउस है अमेरिका का, वहाँ पे रिपब्लिकन्स का बोलबाला है और ऐसे में लग रहा था कि शायद ये पास होगा या नहीं होगा, पर माना जा रहा है कि ये पास हो जाएगा क्योंकि इस बार दोनों ही पार्टियां मिली हुई हैं कि हाँ, हमें इस बजट को पास कराना है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर एयरपोर्ट को मिसाइलों से उड़ा दिया गया। किसने उड़ाया? उत्तर कोरिया के तानाशाह नेता किम जोंग उन, इन्होंने अपनी देश की सेना को कहा है असली युद्ध के लिए तैयार रहो, जिसके बाद उत्तर कोरियाई सेना ने जमकर मिसाइलों की बारिश और ऐसा युद्धाभ्यास किया कि किस तरीके से दुश्मन के हवाई अड्डे को विनाश कर दे, इसके लिए मिसाइलों की बारिश कर दी। और इस पूरे युद्धाभ्यास को पीछे से खड़े होकर देख रहे थे किम जोंग उन। सवाल उठता है कि ये युद्धाभ्यास इस तरीके से क्यों किया जा रहा है? तो आपको बता दें, कहा जा रहा है कि अमेरिका दक्षिण कोरिया के युद्धाभ्यास से चिढ़ गया है उत्तर कोरिया और कभी भी ये जवाब दे सकता है। वैसे सन की तानाशाह का कोई ठिकाना नहीं है कि ये क्या कर दे और क्या नहीं कर दे, पर इस मामले में अब जापान भी साथ आता हुआ दिख रहा है दक्षिण कोरिया के। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने जो ये रक्षा बजट बढ़ाया है ना, ये भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसलिए खुशखबरी है क्योंकि ताइवान को लेकर चीन उलझा हुआ है और ताइवान के साथ अगर मामला बढ़ जाता है तो अमेरिका का ये रक्षा बजट ताइवान के लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।